अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ हम लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू अंडे की रेसिपी जो हम सुबह नाश्ते में बनाकर खाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए अंडे, 3 अंडे लिए हैं और यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं, ब्रिक कट कर लिए हैं। और यहाँ पे टमाटर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड कर ले लिया मैंने। और यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने बर्तन लिया, उसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो अब हम इसे थोड़ा सा चम्मच को हिलाएँगे, इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से गला लेंगे ताकि इनका पेस्ट हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे। और अब यहाँ पे मैं ले लूँगी अंडे, अंडे को तोड़ के मैं बाउल में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 अंडा तोड़ा है और इसे बाउल में ऐड कर दिया है। और इसी तरह से अब मैंने दूसरे अंडे को तोड़ के मैंने बाउल में ऐड किया है। और इसी तरह मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। और अब मैंने ऐड किया है जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ ले लिया है सूखा धनिया पाउडर। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी है। और अब 1 चम्मच भरा हुआ मैं इसमें नमक का ऐड कर दूँगी। और पीछे से मेरा बेटा शोर कर रहा था तो उसके लिए माजरत। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मेरा एक मिक्सचर बन चुका है। तो जो मैंने टमाटर रखे थे वो तकरीबन नरम हो चुके हैं। तो इसको अब थोड़ा सा हम चम्मच को हिलाएँगे, इस तरह से चम्मच को हिलाने के बाद तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू जो मैंने ब्रिक कट करके रखे थे। मैंने यहाँ पर आलू कर ऐड कर दिए हैं और हमने सही से पूरे बर्तन को साफ़ कर लेने हैं ताकि आलू कहीं से लगे ना रह जाएं। तो अब आलू ऐड करने के बाद हम इसका चम्मच को हिलाएंगे और इसको सही से मिक्स कर लेंगे। और 15 से 20 मिनट तक हम इस आलू को पकाएंगे, फिर इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको पकाते रहेंगे, चम्मच को भी हिलाते रहेंगे। और अगर आपको कहीं पानी की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर जो मैंने मिक्सचर को तैयार किया था उसमें ऐड कर दूँगी मैं थोड़ा सा दूध। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है और इसे हम सही से मिक्स करेंगे इस तरह से। और इसको मिक्स कर लिया है और अब जो मैंने आलू रखे थे उसे हम 10 मिनट तक कवर कर देंगे ढक्कन से और फिर 10 मिनट के बाद देखेंगे। तो अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसका ढक्कन उतार रही हूँ। देखें आलू जो हैं वो तकरीबन नरम हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर चम्मच को हिलाऊँगी, थोड़ा सा नीचे लग गया था। और इस तरह से हम इसको सही से मिक्स करेंगे आलू को अच्छे से। इसी तरह से अब जो मैंने अंडे का मिक्सचर बना कर रखा था उसे मैं ऐड कर दूंगी आलू में। हम ऐड कर देंगे इस तरह से अंडे के मिक्सचर को, इसमें ऐड कर देंगे आलू में और इसको अच्छे से घुमाएंगे, सही से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे और बस 5 मिनट तक ऐसे चम्मच को हिलाते रहेंगे। और ये देखिए अब यहाँ पर मेरा आलू अंडा बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मेरे यहाँ पे अंडा रेडी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दूँगी और अब आपको मैं डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी आलू अंडे की रेसिपी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी तरह मैं आपके साथ नई नई वीडियो लाती रहूँगी। मिलूँगी मैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।